विधायक ने पकड़ा कई ओवरलोडेड ट्रक, ट्रक में थे क्षमता से अधिक माल। नाथनगर विधायक अजय कुमार मंडल ने सबौर प्रखंड के फरका गांव में कई ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा। पकड़े गए इन ट्रकों में क्षमता से अधिक माल लदे थे। इस मौके पर विधायक के साथ सबौर प्रखंड प्रमुख अभय कुमार और राजद के प्रखंड अध्यक्ष सुमन कुमार यादव मौजूद थे। ट्रक रोकने का कारण है कि भागलपुर मिर्जा चौकी के बीच डेली 2000 ट्रक चलता है और सभी ट्रक ओवरलोड चलते हैं। एक तो कानून के विरुद्ध से चलता है, ओवरलोड करते हैं, और करीब करीब हजारों ट्रक में डेली में चलने से करोड़ों रुपये के सरकार का राजस्व का नुकसान होता है, जो माइनिंग का होता है। और किसी गाड़ी में माइनिंग नहीं, माइनिंग के सारे पदाधिकारी महीनासूली करते हैं, इनके एजेंटों से पैसा लेते हैं। हाँ। कौन लेते हैं दूसरी, जहाँ ये गाड़ी खड़ी है, इस रोड की भी स्थिति ऐसा है, आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहता है। रोड में भी कोई गुणवत्ता से रोड नहीं बना है, और रोड की स्थिति मेटरेबल होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार काम कर रहा है वो भी नहीं करता है। रोड में धूल उड़ता है, काफ़ी ग्रामीणों को दिक्कत होता है, पूरे इलाके में दिक्कत होता है। और ये रोड छोटी गाड़ी से चलने के लिए आदमी को करीब करीब 3.5-4 घंटा का सफ़र 30 किलोमीटर में लगता है जाम के लिए। जबकि कल प्रेस मीडिया में, आज के प्रेस मीडिया में, कल के प्रेस मीडिया में हमारे हरगांव के DSP साहब छाए हुए, मनमंडला पदाधिकारी DSP साहब, अनुमंडल के DSP साहब छाए हुए हैं। उनका कहना है, आज उन्होंने पेपर में साफ स्टेटमेंट दिए हैं कि मैंने सारा वीडियोग्राफी किया, ट्रक पर ड्राइविंग सीट पर बैठ करके मीटिंग प्रेस में आया हुआ पेपर, लेकिन अब तक में किन्हीं पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और उन्हीं के नज़रों के सामने हजारों गाड़ी डेली ओवरलोड पार कर रहा है। क्या DSP साहब क्या दिखाना चाहते हैं? हम बहुत बड़े नेता हो गए थे, ये पेपर में आकर क्यों करना चाहते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस इस बात की DSP साहब पुष्टि कर रहे हैं कि सारे पुलिस पदाधिकारी मिले, तो वहीं किस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्यों नहीं? ये अपने बचने के लिए छोटे पदाधिकारियों पर ये सारा बात मारता है। इसकी जांच हम चाहेंगे कि CBI से होनी चाहिए। इसमें माइनिंग, DTO, MBI, मोबाइल, सारे लोग मिली भगत से इसे कर्म को करते हैं। इन सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज ये आए दिन मेरे क्षेत्र की जनता को, और क्षेत्र ही नहीं, मिर्जा चौकी से लेकर के चलने वाला आदमी किसी भी समय गाड़ी से भागलपुर मुख्यालय पहुंचने के लिए सोचना है, पीरपैती से मुख्यालय जाने के लिए हमें कई दिन लगेगा, ये सोचते हैं। और घर में गाड़ी रहते हुए लोग ट्रेन का सहारा लेते हैं, ये सब सारी परेशानी है, और इस पर कार्रवाई करने के लिए। और ये सारे अभी जो 1000 गाड़ी यहाँ जमा है, किसी पदाधिकारी को का कोई इस पर अथी नहीं है देख रेख, ये सारे जनता को कष्ट हो रहा है। और करीब पूरे क्षेत्रीय भ्रमण में मुझे काफ़ी ये सुनने के लिए मिलता है, घर पर भी लोग जाते हैं, विधायक जी से रोड की स्थिति और ओवरलोड गाड़ी से परेशान है लोग, इस पर विलम्ब कार्रवाई किया जाए और जाम की स्थिति को हटाया जाए। इसीलिए मैंने आज ओवरलोड गाड़ी को वन साइडेड पकड़ करके एक लाइन क्लियर है और गाड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, पदाधिकारियों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज अभी 10-20 किलोमीटर के रोड में लगभग हजारों गाड़ी लगी हुई है और 90% गाड़ी ओवरलोड है, बिना माइनिंग चलान का है। सरकार के राजस्व के साथ ये सभी लोग संलिप्त सबों पर कार्रवाई कर रहे हैं, माइनिंग पर और MBI, मोबाइल, DTO सबों पर। ठीक, इस तरह का गोरख धंधा ही लोग करते हैं। और जिन पदाधिकारियों ने पूरा वीडियोग्राफी किया है DSP साहब कहलगांव के, उन लोगों को उनसे पूछा जाए और अविलंब पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो भ्रष्ट लिप्त है, और रोड में काम अच्छा नहीं हुआ इस पर भी कार्रवाई किया जाए। और अभी तक रोड बना नहीं, रोड की स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत ही अफसोस की बात है
कि आज हमारे स्थानीय विधायक जो सरकार में है और उन्हीं के द्वारा ये ओवरलोडेड जाम की प्रक्रियाएं, उनके खिलाफ आज विधायक जी सड़क पर उतरे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये सरकार बहरी और गूंगी है और अंधी है। यहाँ तक कि यहाँ की जो जनता है, आप कपड़े को देखिए, इस ओवरलोडेड और ये सड़क के गुणवत्ता की खराबी के चलते सारा यहाँ पर पब्लिक का देखिए, सारा कपड़ा जो उजला था सारा का सारा गंदा, आप जरा कैमरा उधर भी घुरा के दिखाइए, सारा का सारा कपड़ा सबका खराब हो गया है। बगल के जिस भी घर में जाइएगा, एक इंच मोटी गर्दे की परत मिलेगी, वह परत ग्रामीणों को कैंसर ये इत्यादि रोगों का, तो ये महामारी तक का प्रबल दावेदारी करने का संकेत देती है। अतः हम अभी स्थानीय विधायक के साथ सभी ग्रामीणों के साथ उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, चाहे इसके लिए किसी भी दल का हो, स्थानीय समस्या के लिए उनके साथ हम रहेंगे। ठीक, एसपी है, पुलिस प्रशासन टोटल मिला हुआ है लुकेरों से, और रोड जो नहीं बना है इसी का मिली भगत है। किसका मिली भगत है? डीएम है, एसपी सबका, डीएमएसपी का है, पूरा प्रशासन मिला हुआ। तो जनता आरोप क्यों नहीं लगा रही है? जनता तो आरोप लगाते हैं, जनता को चलने नहीं देता प्रशासन, ना है जनता का कुछ चलने नहीं देता, बोलता है उस पे केस थोप देता किसी तरह को।